सुप्रभात बच्चों, आज संस्कृत पढ़ेंगे पाठ 14 संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। जिसके लिए कोई कार्य किया जाए अथवा जिसे कोई वस्तु दी जाए उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। सबसे पहले इसे समझना जरूरी है किसको या आखिर संप्रदान कारक क्या होता है। तो जिसके लिए कोई कार्य किया जाए अथवा जिसे कोई वस्तु दी जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका चिन्ह क्या होता है? को या के लिए होता है। जैसे यहाँ पर तीनों में दिया हुआ है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग शब्द का संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति क्या होता है। तो चलिए देखते हैं, पुल्लिंग में क्या हो जाएगा? देवाय, देवाभ्याम, देवीभ्यः। स्त्रीलिंग में लतायै, लताभ्याम, लताभ्यः। और नपुंसक लिंग में हो जाता है फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्यः। इस प्रकार से इसका शब्द रूप बनता है। तो चलिए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। माता पुत्राय दुग्धम यच्छति, माता पुत्राय दुग्धम यच्छति, माता पुत्र के लिए दूध यच्छति। यच्छति मीन्स देती है, या माता पुत्राय दुग्धम यच्छति को ये भी कह सकते हैं, माता पुत्र को दूध देती है। को या के लिए अर्थात यहाँ पर चतुर्थी भक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, दीपिका प्रकाशाय भवति, दीपकः प्रकाशाय भवति, दीपक प्रकाश के लिए होता है। प्रकाशाय चतुर्थी भक्ति, जैसे प्रकाशाय यहाँ पर चतुर्थी भक्ति का प्रयोग हुआ है। के लिए दीपक प्रकाश के लिए होता है। क्रोधानाशाय भवति, क्रोध नाश के लिए होता है, है ना। जिसको भी क्रोध यदि आता है तो समझ जाइए कि उसको ज़्यादा टाइम तक का टिकने नहीं देना है, नहीं तो फिर वो किसका कारण बनता है? नाश का कारण बनता है। व्यक्ति के जो है हमेशा नुकसानदायक होता है, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। बालकाय दुग्धम रोचते, बालक को दूध अच्छा लगता है। आचार्याय नमः, आचार्य को नमस्कार हो। और शिवाय नमः, शिव जी को नमस्कार हो। यहाँ पर को या के लिए साइन आ रहा है ना, चिन्ह आ रहा है, तो यहाँ पर चतुर्थी भक्ति का प्रयोग हुआ है। धनिका याचकाभ्याम वस्त्रे यच्छति, धनिका याचकाभ्याम वस्त्रे यच्छति। धनी अमीर लोग क्या करते हैं? याचकाभ्याम वस्त्रे यच्छति। याचकाभ्याम यहाँ पर क्या हुआ है? द्विवचन में यहाँ पर दिए ना काभ्याम, तो याचकाभ्याम दो याचक को, अर्थात याचक भी मंगने वाले को, अर्थात हम कह सकते दो भिखारियों को वस्त्र देता है। वृक्षाजनेभ्यः फलानि यच्छन्ति, वृक्ष लोगों को फल देते हैं। छात्राः पठनाय विद्यालयं गच्छन्ति, छात्र पढ़ने के लिए। छात्राः बहुवचन शब्द है, तो अनेक छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। बालकाः क्रीडनकाय क्रीडा क्षेत्रं गच्छन्ति, अनेक बालक खेलने के लिए खेल के मैदान जाते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर देखते हैं। अम्बा कन्यायै भोजनम आनयति, अम्बा माँ कन्या के लिए भोजन लाती है। शिक्षिका लतायै पुस्तकम यच्छति, शिक्षिका जो अध्यापिका है वो किसके लिए? लतायै, लता के लिए पुस्तक देती है। जनका पुत्राय क्रुध्यति, पिता पुत्र पर क्रोध करता है, पिता पुत्र के लिए क्रोध करता है, है ना। और सूर्य प्रकाशाय भवति, सूर्य प्रकाश के लिए होता है। विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशाम परिपीडनाय, खलस साधो विपरीत मेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय, विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, अभिमान के लिए, शक्ति शक्ति बल, परेशान परिपीडनाय दूसरों को दुख देने के लिए होती है। खलस साधो, किन लोगों की? खलस खल मीन्स होता है दुष्ट लोगों की, तो दुष्ट लोगों की जो विद्या है झगड़े के लिए, धन अभिमान के लिए, और शक्ति है वो दूसरों को दुख देने के लिए होती है। इसके विपरीत साधो, साधो मीन्स अच्छे लोगों की जो
सज्जनों लोगों की जो अच्छे लोग होते हैं उनकी जो विद्या है वो ज्ञान है। विद्या है किसके लिए होती है? ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति भी होती है उनके पास तो दूसरों की रक्षा के लिए होती है। यही अच्छे और दुष्ट लोगों की पहचान है कि वो अपने पास जो स्थित परमात्मा द्वारा प्रदत्त या जो शक्ति है, बल है, बुद्धि है, धन है, वो किस प्रकार से उनका उपयोग करता है कि दुरुपयोग करता है वो तो उसके ऊपर निर्भर करता है। यदि उसको उपयोग करेगा तो उसके लिए अच्छा रहेगा, और दुरुपयोग करेगा तो वही उसके लिए विनाश का कारण बनता है। विशेष दा देने के योग में चतुर्थी भक्ति होती है, जैसे नृपायाचकाय अन्नम यच्छति, है ना, और नमः शब्द के योग में चतुर्थी भक्ति होती है, ईश्वराय नमः, रुच अच्छा लगना के योग में चतुर्थी भक्ति लगती है, बालकेभ्य दुग्धम रोचते, है ना, कृत के योग में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है, जैसे आचार्य छात्राय क्रुध्यति। तो ये जो तीन चार स्टेप दिया है बच्चों, या इसके योग में जो है, जैसे देने के योग में, नमः के योग में, रुच के योग में और क्रुद्ध के योग में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता ही है, ये आप लोग नोट करिएगा, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं शब्दार्थ दिया हुआ है। यहाँ पर शब्दार्थ क्या दिया हुआ है? सब पुत्राय पुत्र के लिए, धनिका धनी, निर्धनाय धनहीन, जनेभ्य लोगों के लिए, यच्छन् जी देते हैं, कुकुरा कुत्ते, इतस्तः इधर उधर, प्रकाशाय रोशनी के लिए, क्रोधा गुस्सा, नाशाय नष्ट करने के लिए, क्रीड़ा क्षेत्रम खेल का मैदान, तक्रम मट्ठा, आनयति लाता है, तृणम घास। ये शब्दार्थ भी आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि शब्दार्थ को एग्जाम में पूछते ही है, और शब्द वर्ड पावर जितना आप लोगों का अच्छा रहेगा उतना ही आप किसी भी सब्जेक्ट में आप लोगों की पकड़ होगी, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं अभ्यास कार्यम। निम्न शब्दों के चतुर्थी भक्ति के रूप लिखिए। तो अभी आप लोगों ने समझा कि चतुर्थी भक्ति का रूप कैसे बनाते हैं, तो चलिए देखिए यहाँ पर दिया है देव, तो देवाय देवाभ्यम देवेभ्यः, है ना, देवाय देवाभ्यम देवेभ्यः, छात्र का छात्राय छात्राभ्यम छात्रेभ्यः, अम्बा अम्बायै अम्बाभ्याम अम्बाभ्यः। क्यों? क्योंकि ये जो है अम्बा का जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए अम्बायै अम्बाभ्याम अम्बाभ्यः हुआ है। पुस्तक क्या है? नपुंसकलिंग शब्द है, पुस्तकाय पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः। जनक जो है पुरलिंग शब्द है, इसलिए जनकाय जनकाभ्याम जनकेभ्यः। विद्या विद्यायै विद्याभ्याम विद्याभ्यः। इस प्रकार से इसका शब्द रूप बनेगा। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में चतुर्थी भक्ति लगाकर रिक्त स्थान भरना है। तो ते पठनाय विद्यालय गच्छन्ति, पठन शब्द से पठनाय हुआ है, पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। अहम देश क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छामि, तो क्रीड़ा का क्रीड़ायै, क्रीड़ा के लिए, खेलने के लिए। जना देश उद्यानम गच्छन्ति, जना ब्राह्मणाय उद्यानम गच्छन्ति। सुरेंद्र देश विदेशम गच्छति, धन का धनाय। उसी प्रकार देश नमा आचार्य का आचार्याय। पुस्तकम देश भवती, तो अध्ययन का जनाय। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। छात्रा भ्रमणाय गच्छन्ति, उसी प्रकार बालका देश गच्छन्ति, क्रीडायै माता देश दुग्धम यच्छति, तो पुत्राय भ्रमणम देश भवती, तो स्वास्थ्येन स्वास्थ्यान स्वास्थ्याय, तो स्वास्थ्याय भ्रमणम स्वास्थ्याय भवती, स्वास्थ्याय भ्रमण से स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? ठीक होता है। भ्रमण जो है, घूमना जो है, स्वास्थ्य के लिए ठीक होता है। दीपका देश भवती, तो प्रकाशाय। निपह देश धनम यच्छति, तो याचकाय। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध के लिए शुद्ध तथा गलत के लिए गलत का निशान लगाइए। ईश्वर नमः रॉन्ग हो गया, ईश्वरम नमः नहीं हो गया ना, इसलिए रॉन्ग है। क्यों? चतुर्थी भक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। वृक्ष नमः के योग में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है। वृक्षा परोपकाराय फलन्ति, यस राइट। माम तक्रम रोचते, तो यहाँ पर भी क्या है जो है चतुर्थी भक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए रॉन्ग है। जनका पुत्राय क्रुध्यति, क्रुद्ध के योग में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ यह जो सेंटेंस है वो राइट है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में स्थूल पदों को निर्देश अनुसार बदलिए। तो मालाकार देवाय माला रचती, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुवचन करना है हमको, और ये किस में दिया है बच्चों? एक वचन में, इसलिए क्या है ये? रॉन्ग है। तो बहुवचन क्या हो जाएगा देवाय का? देवेभ्यः।
मालाकारः देवेभ्यः माला रचयति। देवेभ्यः नमः, तो यहाँ पर एक वचन में करना है, तो ये भी रॉन्ग है, तो इसको क्या हो जाएगा, देवाय नमः। जनाः कार्येभ्यः कार्यालयं गच्छन्ति, एक वचन, तो जनाः का कार्याय कार्यालयं गच्छन्ति, ये सही होगा। निपः याचकाय धनम यच्छति, तो निपः याचकाभ्याम धनम यच्छति, याचकाय की जगह में क्या हो जाएगा, याचकाभ्याम। जना पुत्राभ्याम क्रुध्यति, तो पुत्राभ्याम की जगह में पुत्राय, जना पुत्राय क्रुध्यति। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पद शुद्ध करके पुनः लिखना है, तो देवम नमः, तो देवाय नमः। उसी प्रकार बालात् दुग्धम रोचते, बालाय दुग्धम रोचते। वृक्षा जनम जनान फलम यच्छति, तो वृक्षा जनेभ्यः फलम यच्छति। निपः याचकम अन्नम यच्छति, तो निपः याचकाय अन्नम यच्छति। सूर्य सूर्यम नमः, तो सूर्याय नमः। तो इस प्रकार से जो अंडरलाइन शब्द दिया है बच्चों, उसमें जो इस साइड राइट साइड में दिया हुआ है देवाय नमः के नीचे में, उस जो शब्द को लिख करके आपको सेंटेंस को यहाँ लिखना है। क्रियाकलाप दिया हुआ है, दुष्ट प्रकृति तथा सज्जन प्रकृति दो रूपों में छात्रों को पृथक पृथक कर अभिनय कराएं, फलस्य विद्या व्यवादाय भवति, जैसे दुष्ट की विद्या जो है झगड़े के लिए होती है, साधो विद्या ज्ञानाय भवति, अच्छे लोगों की विद्या ज्ञान के लिए होती है, कलश धनम मदाय भवति, दुष्टों का जो धन होता है वो घमन के लिए होता है, साधो धनम दानाय भवति, जो अच्छे लोग साधु प्रकृति के लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, उनका धन दान के लिए होता है, कलश शक्ति परेशान परिपीड़नाय भवति, दुष्टों की जो शक्ति होता है दूसरों को पीड़ा दुख पहुँचाने के लिए होती है, साधो शक्ति परिरक्षणाय भवति, सज्जनों की शक्ति जो है दूसरों को असहाय लोगों की रक्षा के लिए होती है। श्लोक का सस्वर वाचन कराएं, सभी विद्यार्थी अपने अध्ययन कक्ष में यह श्लोक लिख कर लगाएं, जीवन में इस पर आचरण करने का प्रयास करें, तभी जो है यह विद्या और जो आप लोग अर्जन कर रहे हो वो सार्थक है। ओके, तो आप लोग इसको अपने जीवन में आचरण में लाइएगा। यदि आपके पास विद्या है तो विद्या ज्ञान के लिए यूज करो, है ना, और धन है तो धन का प्रयोग लोगों की मदद करने के लिए करो और उसका उपयोग करो, और यदि शक्ति है तो लोगों के दुख दर्द को दूर करने के लिए प्रयास करो, न कि उनको दुख दर्द देने के लिए। ओके, तो और इस चैप्टर में किसी प्रकार से कुछ डाउट होने पर मीटिंग में अवश्य कंसल्ट करिएगा। ओके बच्चों।